डॉपलर इफेक्ट की दो केसेस तो हम कर चुके हैं, जिस सिचुएशन में हम लोगों ने जो है सोर्स को कांस्टेंट माना था, कि कांस्टेंट नहीं बल्कि सोर्स को हम लोगों ने स्टेशनरी रखा था और ऑब्जर्वर को हम लोगों ने मूव कराया था। लेकिन आज के सिचुएशन में हम इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि हमारा सेकेंड केस है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने सोर्स को, सोर्स जो है वो स्टेशनरी नहीं होगा, सोर्स जो है वो मूव करेगा, और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो हम कह देते हैं कि ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर को एक जगह फिक्स कर देते हैं और अपने सोर्स को मूव कराना शुरू कर देते हैं। ऐसे जैसे कि आप एक जगह फिक्स हो जाएं और एक कार या कोई ऐसी चीज़ जो साउंड इमिट कर रही है वो आपकी तरफ या आपसे दूर जाना शुरू कर दे, तो उस सिचुएशन में आपकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं और जो फ्रिक्वेंसी और जो स्पीड है या वेवलेंथ है उसमें क्या चेंज आएगा। और हमने शुरू में ये बात भी की थी कि जब हमारा सोर्स मूव करता है तो उस सिचुएशन में हमारा जो लैम्डा है वो चेंज होता है और हमारी जो स्पीड है, जो साउंड की स्पीड है वो सेम रहती है। यानी कि मुझे अजम्पशन भी यहाँ पर ही कर लेनी चाहिए कि जब हमारा सोर्स मूव करेगा तो हमारे जो लैम्डा है वो चेंज करेगा, लैम्डा वेरिएबल होगा, और जो स्पीड ऑफ साउंड है, यहाँ पर लिख लेना चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड है वो कांस्टेंट रह जाती है। स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रह जाती है तो लैम्डा के चेंज होने से भी हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, क्योंकि हम एक पैरामीटर को अगर कांस्टेंट रखते हैं और अगर एक इक्वेशन में तीन पैरामीटर्स हैं जैसे कि वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, अगर मैं लैम्डा को कांस्टेंट रखा था पहले सिचुएशन में, जैसे कि हमने डॉपलर इफेक्ट के पहले दो केसेस डिस्कवर किए हैं बल्कि बयान किए हैं, जिस सिचुएशन में हम लोगों ने सोर्स को कांस्टेंट फिक्स किया था, स्टेशनरी किया था, तो इस सिचुएशन में हमने कहा था कि हम लोग लैम्डा को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारे ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो गए, हमारे जो फ्रीक्वेंसी है वो और हमारी स्पीड। लेकिन आज के केस में हम कह रहे हैं चूंकि हमारा सोर्स मूव कर रहा है तो हमारी लैम्डा चेंज होगी और हमारी जो स्पीड है उसे हमने कांस्टेंट मान लिया, तो इसका मतलब है किसी एक आधी चीज़ को हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है ताकि दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप निकाल सकें कि एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। अब इस सिचुएशन में हम लोगों ने ये कहा है कि हमारा सोर्स मूव करेगा जबकि हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहेगा, तो हमारी जो लैम्डा है उसमें तब्दीली आएगी। तो ऐसा तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा सोर्स है, अगर ये दोनों ही स्टेशनरी होते हैं तो जितनी वेवलेंथ की वेव्स ये इमिट करता उतनी ही वेवलेंथ की वेव्स ये डिटेक्ट कर लेता। अगर ये स्टेशनरी था तो इसके पास भी वेवलेंथ ऐसी ही जानी थी, यानी कि वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं आना था। लेकिन अब हम लोगों ने केस थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, केस इस तरह से रिवर्स कर दिया कि अब हमने कहा कि हमारा ऑब्जर्वर जो है ये अपनी जगह स्टेशनरी है और जो हमारा सोर्स है वो मूव कर रहा है। अगर सोर्स मूव करेगा, सोर्स के मूव करने के दो तरीके हैं, या तो सोर्स हमारा ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे या ऑब्जर्वर से दूर मूव करे। पहली सिचुएशन हम ये ले लेते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो हमारे ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारा ऑब्जर्वर जो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है और ये हमारा सोर्स है। लेट्स से कि जब ये दोनों ही स्टेशनरी थे तो इनके दरमियान कुछ डिफरेंस जो डिस्टेंस था इनके दरमियान वो तकरीबन 50 मीटर्स था, लेकिन अब चूंकि हम लोगों ने अपना ऑब्जर्वर फिक्स कर दिया है और हमारा जो स्टेशनरी सोर्स है वो मोमेंट शो कर रहा है, तो वो चूंकि इसकी तरफ जा रहा है तो अब जो डिस्टेंस है उसमें डिक्रीज होगा, तो डिस्टेंस में डिक्रीज होने से हम लोग कह देते हैं तकरीबन कि अब इनके दरमियान जो फासला है वो 25 मीटर का रह गया। अब बात आ जाती है इनकी साउंड वेव्स की। अब साउंड वेव्स में जो है वेव्स है उसमें क्या फर्क पड़ता है अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, तो जब हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो ये हमारा सोर्स जब हमारे ऑब्जर्वर की तरफ मूवमेंट शुरू करता है तो हमारी जो लैम्डा है इसमें डिक्रीज आना शुरू हो जाता है, यानी कि वेवलेंथ में कमी होना शुरू हो जाती है। और जब वेवलेंथ में इस तरह से ना वेवलेंथ में चूंकि हमारा सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूवमेंट शुरू कर रहा है तो हमारा जो वेवलेंथ है इस सोर्स की जो इमिट कर रहा है और जो हमारा ऑब्जर्वर डिटेक्ट कर रहा है इसमें, तो इस तरीके से जो हमारा लैम्डा है उसमें डिक्रीज आना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा जो चेंज इन लैम्डा है इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी जो सोर्स ने अब जो साउंड वेव इमिट की है या जो प्रोड्यूस की है उसमें कमी होना शुरू हो जाती है उनकी वेवलेंथ में जब वो ऑब्जर्वर की तरफ मूवमेंट शुरू करता है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो स्पीड है, जो ऑब्जर्वर तक जो स्पीड आ रही है इन साउंड वेव्स की, वो तो सेम रहती है लेकिन लैम्डा चेंज हो जाता है।
अब लैम्डा चेंज होने से हमारे पास जो नई फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हमें मालूम करना है कि इस ऑब्जर्वर तक जो नई फ्रीक्वेंसी पहुंचती है उसमें कितना फ़र्क आता है, या कि वो कम होती है या वो ज़्यादा होती है। इसे मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा है। ये हमारी सिचुएशन ए है जब दोनों स्टेशनरी कंडीशन में थे, लेकिन हमने बोला है कि हमारी जो स्पीड है अब वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हमारा लैम्डा चेंज हो रहा है। यानी कि अगर पहले सिचुएशन में लैम्डा ये था, तो बाद वाली सिचुएशन में हमारा जो नया लैम्डा आया है, जिसे मैं लैम्डा डैश कह लूँ, वो लैम्डा डैश है कि लैम्डा पहले लैम्डा में से चेंज इन लैम्डा, जितना भी लैम्डा में चेंज हुआ है उसको माइनस कर दिया जाए। पहला लैम्डा जो है उसे मैं वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के एक्सप्रेशन से निकाल सकती हूँ, जो कि वी डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाई एफ है इस तरह से। और माइनस डेल्टा लैम्डा को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि इसमें वी नहीं बल्कि यू लिखना चाहिए, और यू जो है हमारे सोर्स की स्पीड, यहाँ पर सोर्स की स्पीड आनी चाहिए यू, और डिवाइडेड बाय हमारी जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी है। तो इस सिचुएशन में जो नया लैम्डा हमारे पास निकलता है वो इस तरह से है कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये वी माइनस यू एस जो है हमारे पास एफ लैम्डा आ जाएगा। ये हमारे पास पहली सिचुएशन ए थी। जब दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि हमारा पहले तो स्टेशनरी थे दोनों, लेकिन अब हमने कहा है कि हमारा जो सोर्स है वो हमारे ऑब्जर्वर की तरफ मोमेंट शो कर रहा है, तो अब हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उस जो हमारे लैम्डा है डेल्टा लैम्डा जो चेंज इन लैम्डा आता है वो जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो एफ डैश इंटू लैम्डा डैश, और यहाँ पर मुझे डैश नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि हमारी स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड ने तो तब्दील नहीं होना। तो अगर मैं इसकी जगह यू वैल्यूज पुट करूँ, वी इज इक्वल्स टू एफ डैश और लैम्डा डैश जो है वो वी माइनस यू एस डिवाइडेड बाई एफ है। ये इसका एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने इस इक्वेशन ए डैश में पुट कर दिया। तो इस सिचुएशन में मुझे जब एफ डैश फाइंड आउट करना है तो मैं इसे आसानी से यूं लिख सकती हूँ कि वी डिवाइडेड बाय वी माइनस यू एस इंटू एफ। तो यहाँ पर फिर पहले वाली बात ये आ जाती है कि जब हमारा न्यूमिरेटर हमारे डिनोमिरेटर से बड़ा हो तो हमारा आंसर हमेशा ग्रेटर देन वन आता है। जैसे कि अगर आप फर्ज कर लीजिए कि आपकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, पहली स्पीड जो थी वो तकरीबन 2 मीटर कर लीजिए, और बाद वाली स्पीड में जो सोर्स की स्पीड में इंक्रीज हुआ है, या सोर्स की स्पीड में जो उसकी स्पीड तकरीबन फर्ज कर लीजिए, तो हमारे यूएस जितना भी वो हो तकरीबन फर्ज कर लीजिए कि वो 1 है, वो जितना भी आया होगा तो वी में से तो वो माइनस ही होगा ना, वी में से तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा न्यूमिरेटर हमेशा बड़ा आएगा और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा आएगा। और जब ऐसी सिचुएशन हो तो वी डिवाइडेड बाई वी माइनस यू एस हो, जैसे कि आप इस तरह से कह लीजिए कि अगर 7 डिवाइडेड बाई 5 हो तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये है कि वी हमारा बड़ा है, वी और वी में से जो भी सब्ट्रैक्ट होगा यूएस का, जो भी हमारे सोर्स की स्पीड हुई होगी वो हमारी पहली वाली स्पीड में से माइनस ही होगी, और ऊपर वही वाली स्पीड जो है वो बढ़ी है, नीचे उसी स्पीड में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। जैसे कि आप यूं समझ लीजिए कि अगर ये वी हमारी 7 है, इसको 7 कर लीजिए, ये 7 है, और 7 में से इसमें कुछ भी इंक्रीज हुआ है, 2 है, 5 है, ये यूएस जो है वो तकरीबन फर्ज कर लीजिए 5 है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब है ये पूरी सिचुएशन, जब भी हमारा न्यूमिरेटर बड़ा हो और डिनोमिरेटर छोटा हो तो ये आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 1 है तो मुझे कहना चाहिए कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ग्रेटर देन एफ होगी। यानी कि इससे मुझे ये कहना चाहिए कि हमारी जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी, जब हमारा सोर्स जो है वो हमारे ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज है वो भी ग्रेटर देन उसकी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी से उससे ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हमारा स्टेशनरी सोर्स हमारे ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो हमेशा फ्रीक्वेंसी, जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी आएगी वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी से हमेशा इंक्रीज होगी। जैसे कि आप इस एनिमेशन से आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा सोर्स स्टेशनरी है तो एग्जैक्ट वेवलेंथ की जो साउंड वेव्स है वो इमिट कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशनरी सोर्स, अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है उसकी तरफ मूवमेंट शो करता है, तो इसकी वेवलेंथ में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि इस सिचुएशन में जब हमारा स्टेशनरी सोर्स है उसी उसकी तरफ जाए या उससे अवे जाए हमारे ऑब्जर्वर से, तो हमेशा इसकी वेवलेंथ में डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि इस तरफ देखा जाए कि अगर हमारा ऑब्जर्वर इस तरफ है, इस पॉइंट पे राइट, इस रेड पॉइंट के राइट तरफ, तो आप देखेंगे कि इसकी वेवलेंथ में डिक्रीज हो रहा है। अब आप गौर कीजिए कि अगर रेड पॉइंट के राइट तरफ आपका कोई ऑब्जर्वर पड़ा है तो आपकी वेवलेंथ में डिक्रीज आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो नई फ्रिक्वेंसी बनेगी उसमें डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेकिन अगर अब मैं ये सिचुएशन रख लूँ
हूँ कि मैं कहूँ कि मेरा ऑब्जर्वर जो है वो तो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, लेकिन मेरा जो सोर्स है जो साउंड इमिट कर रहा है, बजाय इसके कि वो हमारे ऑब्जर्वर की तरफ जाए, अब वो हमारे ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है। यानी कि ये अब हमारा सेकेंड केस है कि मेरा जो स्टेशनरी सोर्स है वो हमारे स्टेशनरी ऑब्जर्वर से इस तरफ जा रहा है, वो उससे राइट साइड पर मूवमेंट शुरू कर दी है उसने। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेशनरी थे तब तो हमने कहा कि इनके दरमियान जो है डिस्टेंस 50 मीटर है, लेकिन अब चूंकि ये उससे अवे मूव कर रहा है हमारे जो ऑब्जर्वर से, जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उससे हमारा सोर्स अवे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अवे मूव करने से इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। और मान लीजिए कि जब ये दूर जाता है तो हमारा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करके 60 हो जाता है। और एक और चीज़ कि जब हमारा ऑब्जर्वर हमारे जो हमारा सोर्स है वो हमारे ऑब्जर्वर से दूर जाना शुरू कर दे, अवे जाना शुरू कर दे, तो हमारे पास जो साउंड वेव्स ये इमिट करता है उसमें इंक्रीज आना शुरू हो जाता है, जो डेल्टा लैम्डा है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इस तरह से उसमें जो डेल्टा लैम्डा है हमारा लैम्डा डैश आता है, न्यू लैम्डा वो ऐसा आता है कि लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, कि लैम्डा में अब इस सिचुएशन में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है लैम्डा में इजाफा हुआ है, लैम्डा में अगर इजाफा हुआ है तो डेफिनेटली हर हाल में इसकी फ्रीक्वेंसी में तो कुछ ना कुछ डिक्रीज ज़रूर होता है, क्योंकि हमने माना है कि जब ये हमारा ये डिस्टेंस है इनके दरमियान जो फर्ज कर लीजिए कि बढ़ गए, इसे मैं थोड़ा सा इस तरह करके दिखा देती हूँ कि हमारा ये ऑब्जर्वर है जो कि फिक्स है, इसी तरह से लिख देते हैं फिक्स है, और अब इनके दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज हो गया चूँकि हमारा स्टेशनरी सोर्स जो है वो इससे दूर जाना शुरू कर रहा है। जैसे कि अगर एक कार है, कार जो है वो साउंड इमिट कर रही है और आप एक जगह फिक्स हो गए हैं, आप एक जगह पर ही खड़े होकर देख रहे हैं कि ये किस तरह से साउंड इमिट कर रही है, आया कि आपको आवाज़ तेज सुनाई दे, आवाज़ में तो फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि जब हमारा स्टेशनरी सोर्स जो हमारा सोर्स है वो मूव करे और ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो, तो हम लोगों ने ये बात शुरू में ही कह दी है कि हमारी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट होती है जबकि हमारी वेवलेंथ में डिक्रीज आता है या इंक्रीज आता है। अगर तो वो स्टेशनरी सोर्स अब हम लोगों ने कहा है कि वो दूर जा रहा है, जैसे कि अगर कार की बात की जाए, यहाँ पर अगर कोई कार होती इस तरह से और वो कार जो है वो हॉर्न की हॉर्न बजाए, हॉर्न की आवाज़ आए और वो आपसे दूर जाना शुरू कर दे, तो जब वो आपसे दूर जाना शुरू कर देगी तो इसका मतलब है कि आवाज़ जो है वो तो हमारी कॉन्स्टेंट है, हमने उसे कॉन्स्टेंट मान लिया है कि आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन जो स्टेशनरी सोर्स दूर जाना शुरू कर देता है और लैम्डा में इंक्रीज हो, तो इसका मतलब है लैम्डा में इंक्रीज हुआ है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डेफिनेटली डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? चूंकि आपको मालूम है कि वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है। लैम्डा को अगर आप कांस्टेंट मान लें, और लैम्डा को हम कांस्टेंट किस सिचुएशन में मानते हैं? जब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो मूव करता है और हमारा सोर्स स्टेशनरी होता है, तो हम कहते हैं कि लैम्डा कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि वी और एफ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली है। लेकिन अब इस सिचुएशन में हमने ये कहा है कि हमारा वी जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, और हम लोगों को रिलेशनशिप किस में फाइंड आउट करना है? एफ और लैम्डा में। इसका मतलब है कि हमें एफ मालूम करना है, एफ अगर यहाँ रखूँ और लैम्डा यहाँ ले जाऊँ तो 1/λ। इसका मतलब है कि एफ और इसके दरमियान हर हाल में इनवर्सली रिलेशन होता है, क्योंकि हम जब इज इक्वल्स टू को हटाते हैं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/λ है। हम कह रहे हैं कि लैम्डा में इंक्रीज होता है जब स्टेशनरी सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है। इट मींस कि लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो नई बनने वाली फ्रीक्वेंसी है, उसमें हमेशा डिक्रीज ही आएगा। अब इसे भी हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। हमें मालूम है कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये हमारी सिचुएशन ए है जब ये दोनों ही स्टेशनरी हैं, ऑब्जर्वर और हमारा सोर्स। लेकिन अब हमने कहा कि हमारा जो है ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो गया और सोर्स अवे मूव कर रहा है, जब सोर्स अवे मूव कर रहा है तो v जो है हमारी स्पीड वो तो कॉन्स्टेंट है, तो फ्रिक्वेंसी में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा और लैम्डा में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा। अगर लैम्डा में इंक्रीज है तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी, जो नई फ्रिक्वेंसी आएगी उसमें हमेशा डिक्रीज ही होगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। और हमारा जो एफ जो ये लैम्डा डैश है, इसे हम लोगों ने बताया है कि ये वी लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा है और यहाँ पर एफ डैश इज इक्वल्स टू वी। अगर मैं इसे वी के फॉर्म में लिखना चाहूँ, चूंकि ऊपर भी वी है नीचे भी वी, तो ज़रा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है बताने में कि किस तरह से ये पूरा का पूरा इक्वेशन निकल रही है, और यानी कि इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम आसानी से। अब लैम्डा को मैं वी डिवाइडेड बाई एफ लिख सकती हूँ और लैम्डा डैश को मुझे लिखना चाहिए कि यू एस, चूँकि सोर्स की स्पीड है ना, तो सोर्स की स्पीड के लिए यू एस लिखना पड़ा और इसके नीचे एफ।
इसका मतलब है जब मैं इसका वो लूंगी एलसीएम तो मेरे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि वी प्लस यूएस। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करती हूँ तो मेरे पास ये आता है कि वी इज इक्वल्स टू एफ डैश। ये एफ डैश थी ना, चूंकि हमारी नई फ्रिक्वेंसी है जो हम लोग मालूम करने जा रहे हैं वो वी प्लस यूएस डिवाइडेड बाय एफ है। अगर मुझे ये नई फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है वो तो इस तरह से आएगी हमारे पास वी प्लस नहीं नहीं बल्कि इस तरह से होना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत हो गया। वी डिवाइडेड बाय आना चाहिए ना, वी डिवाइडेड बाय वी प्लस यूएस इंटू एफ। अब देखा जाए तो अगर मैं मान लूँ कि मेरे यहाँ पर v, जैसे कि मैंने पिछली क्वेश्चन में कहा था कि 7, मान लीजिए कि 7 मीटर पर सेकंड है, तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें ये यूएस आपकी 1 है 2 निकलती है जितनी भी आपकी, वो आप उसमें ऐड करें तो इसका मतलब है आपका डिनोमिनेटर हमेशा आपके न्यूमिरेटर से बड़ा है, और जब आपका जो है न्यूमिरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 ही आता है। यानी कि आपकी नीचे रकम बढ़ी है, नीचे फर्ज कर लीजिए कि अगर 10 है ऊपर 7 आ जाता है तो ये हमेशा लेस देन 1 आंसर आएगा। इसका मतलब है ये हमेशा लेस देन 1 है तो हमारी जो नई फ्रिक्वेंसी बनेगी वो भी हमेशा कम होगी जो हमारी पहली फ्रिक्वेंसी होगी। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर वाकई एक कार या ट्रेन मूव कर रही है, स्टेशन पे आप खड़े हैं एक जगह फिक्स होके, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आया जी मैं देखना चाहता हूँ कि ये कार जो है ट्रेन किस तरह से इसकी आवाज़ मुझ तक आती है, अगर ये दूर जाए या नज़दीक जाए, तो आप देखेंगे कि जब जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल पड़े तो वो दूर जाना शुरू हो जाएगी, तो आपको जो है वो फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देगी, जो साउंड वेव्स आप तक पहुँचेंगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी। तो इस तरह से डोपलर इफेक्ट के जरिए आप मुख्तलिफ चीज़ों की फ्रीक्वेंसी, आप अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में जितना आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, चेंज इन वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं कि जब आपका सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही स्टेशनरी हों तब क्या फ़र्क पड़ता है इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, जब ये मूव करते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है इनकी फ्रीक्वेंसी में, फ़र्क पड़ता है या इनकी वेवलेंथ में या स्पीड में। तो ये मुख्तलिफ केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट के, और डॉपलर जो डॉपलर इफेक्ट है उसे हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सी इसकी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है ये, हम मुख्तलिफ जगहों पर इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ रडार है या सोनर सिस्टम है, मोशन ऑफ बर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, एस्टिमेट ऑफ मोशन ऑफ स्टार्स कर लेते हैं, हम साउंड ऑफ विसल ऑफ मूविंग ट्रेन मालूम कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ जो व्हीकल्स एंड रोड हम ये भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये डॉपलर इफेक्ट की जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है ये हमें बहुत हेल्प करती है मुख्तलिफ चीज़ों की फ्रिक्वेंसी वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। तो ये डॉपलर इफेक्ट के कुछ केसेस थे जिसे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि मुख्तलिफ केसेस जब हमारा सोर्स अब स्टेशनरी हो जाए या हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो जाए तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो नई फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से निकलती है, तो डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो होप सो आपको काफ़ी हद तक डॉपलर इफेक्ट के बारे में समझ आ चुका होगा।